नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 21 अगस्त यानी कि सोमवार को अमावस्या है और सोमवार के दिन आने वाली इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा गया है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव कुछ राशियों पर जरूर होगा। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होने से इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है। और दोस्तों, इसीलिए आज हम आपको एक ऐसा काम बताएंगे जो यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन करेंगे तो इससे आप अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम हर दिन पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे खास होते हैं जिन पर पूजा करने से हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है और भगवान की कृपा हमें हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म करके ऐसे शिवालय में जाएं जहां शिव परिवार की मूर्ति हो और वहां पीपल का पेड़ लगा हो। सबसे पहले भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें और पूजन करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, धूप दीप अर्पित करें, पीपल पर हल्दी से तिलक करें, मिष्ठान का भोग लगाएं और इसके बाद पीपल की जड़ में पंचामृत चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो हल्दी से रंगे कच्चे सूत की गांठ पीपल पर लगाकर दूसरे हाथ में धान, धनिया, पान, हल्दी, सिंदूर और साबुत सुपारी लेकर 108 बार सूत लपेटते हुए पीपल की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद सारी सामग्री पीपल पर अर्पित कर दें और इसके बाद गौरी शंकर का पूजन करें। ऐसा करने से हमारी हर विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।